नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। तैमूर लंग का तो आपने नाम सुना होगा, ऐसा भी आपने सुना होगा वो एक ऐसा हत्यारा था जिसने लाखों करोड़ों लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जब वो 1398 यानी 1398 ईस्वी में भारत पहुंचा और उसने अपने आंखों देखा जो हाल व्यक्त किया उसे अपनी आत्मकथा में। जब यहाँ से लौटा उसके 7 साल बाद यानी जब उसकी उम्र 70 साल की हो गई थी तब उसने लिखवाया। इसमें उसने जिक्र किया ब्राह्मणों के बारे में जो उस समय खुद को विदेशी बता रहे थे। उसने जिक्र किया कि उसने अपने आंखों से जवान औरतों को जिंदा जलाते हुए ब्राह्मणों को देखा, यानी सती प्रथा का भी उसने वर्णन किया। तो दोस्तों, इन घटनाओं को उसने अपने किताब में कैसे लिखा है उसका मैं पूरी डिटेल्स में यहाँ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अंतिम तक बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक सच्चाई का पता चल सके। तैमूर लंग की जीवनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बायोग्राफी में मानी जाती है क्योंकि ये एक ऐसा बादशाह था जिसने अपने जीते जी अपनी इस आत्मकथा को लिखवाया। तैमूर की यह आत्मकथा जफर पाशा नाम के एक बादशाह के पास सुरक्षित थी। जफर बादशाह के मृत्यु होने के बाद यह कॉपी उनके रिश्तेदारों के पास रही, फिर उसकी एक हस्तलिखित कॉपी बनाई गई और उसे लेकर भारत आया गया। फिर अंग्रेजों के समय में एक अफसर उसकी एक कॉपी लेकर इंग्लैंड चला गया और वहाँ पे डेवी नाम का एक अंग्रेज अनुवादक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर व्हाइट के साथ मिलकर उसका इंग्लिश अनुवाद किए और फिर 1783 ईस्वी में पहली बार इंग्लिश में तैमूर लंग की बायोग्राफी छपी जिसे पूरी दुनिया ने पढ़ा और आज तो वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हर तरह से अवेलेबल है। मैं यहाँ पे हिंदी अनुवाद जिसे संजना कॉल ने किया है उसमें से रेफरेंस आपको दिखा। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि तैमूर लंग ने अपने आंखों से सती प्रथा को देखा था और उसके बारे में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है। तैमूर लिखता है कि जब वो भारत की सरहद पे आ गया था और वो पूरी प्लानिंग से दिल्ली जो कि उस समय देहली कही जाती थी उस पर उसको जीतने की फिराक में था तो रास्ते में वो तंबू लगाकर अपने सैनिकों के साथ विश्राम कर रहा था। तभी अचानक से उसको बांसुरी और ढोल बजने की आवाज सुनाई पड़ी तो तैमूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, मैं तंबू से बाहर निकलकर देखा, मुझे पास वाली बस्ती के कुछ लोग नहर की तरफ जाते दिखाई दिए। उनमें से कुछ एक ने एक जनाजा यानी अर्थी उठा रखा था जिसमें ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाला गया था, फिर भी लाश का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि वह एक पुरुष की लाश थी। एक जवान औरत लाल कपड़े पहने जनाजे के पीछे पीछे रोती हुई चल रही थी। वह बीच बीच में दूसरों की तरह गाना भी गाने लगती थी। तैमूर ने आगे लिखा कि उस दिन मैं यह नहीं समझ सका कि वह किस तरह का गाना है। बाद में जब मैं भारत के ब्राह्मणों से मेरी बातचीत हुई तो पता चला कि वह गाना हिंदुओं की धार्मिक किताब ऋग और यह गाना सूर्योदय के समय गाया जाता है। यानी ब्राह्मणों ने तैमूर को झूठा बात बता दिया कि वह ऋग का गाना था क्योंकि स्त्री को किसी भी तरह की कोई धार्मिक किताब वेद तो बिल्कुल भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी और न वो उसका उच्चारण भी कर सकती थी क्योंकि उसे कभी वेद पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण झूठ बोलने में माहिर थे तो उन्होंने तैमूर के साथ झूठ बोल दिया। लेकिन इससे एक बात तो जरूर साबित होती है कि वो कुछ न कुछ गा जरूर रही होगी और चूंकि तैमूर वो लैंग्वेज को नहीं पहचानता था तो ब्राह्मणों ने उसे कह दिया कि भाई उसके धार्मिक किताब ऋग से गा रही है तो उसने मान लिया होगा। दूसरी बात इससे ये कन्फर्म होती है कि वो औरत भी और वो जितने वहाँ के लोग थे वो ब्राह्मणिकल समुदाय के ही लोग रहे होंगे क्योंकि अल्बरूनी ने भी 11th century में लिखा कि वैश्य और शूद्र को अगर वेद पढ़ ले सुन ले तो उनकी जीभ काट दी जाती थी, कान में सीसा पिघला के डाल दिया जाता था। आगे तैमूर लिखता है, जो लोग गाना गा रहे थे वो जनाजे को नहर के किनारे ले गए। मैंने देखा वहाँ कुछ लोगों ने ईंधन जमा कर रखा था। जनाजा उठाने वालों ने जनाजा ईंधन के ऊपर रख दिया, फिर उस रोती हुई जवान औरत के हाथ पांव जंजीर से बांध दिए। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग दिन रात ये गाना गाते हैं कि हमारे यहाँ तो सती प्रथा नहीं थी जी, ये तो मुगल आ गए, ये तो अंग्रेज आ गए, उनके डर से सती प्रथा की जाती थी। यहाँ पे और भी तो कम्युनिटी थी, उन्होंने तो अपनी औरतों को इस तरह से नहीं चलाया, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम के ही लोग चला रहे थे। तो तैमूर आगे लिखता है, गाना गाने वाले लोग चुप हो गए और ढोल की आवाज बंद हो गई, लेकिन बांसुरी बजाने वाला कोई और धुन बजाने लगा। स्त्री पुरुष विलाप कर रहे थे जिससे मैंने अनुमान लगाया कि ये इस पुरुष के लिए नहीं बल्कि उस जवान औरत के लिए बैन कर रहे हैं जिसे अपने पति की लाश के साथ जलना था। तैमूर ने आगे लिखा, भाई जरा ध्यान से सुनिए इसको, ये तैमूर के आंखों देखा हाल है।
जब उस औरत के हाथ पांव जंजीर से बांधे गए, उसे उस लाश के एक तरफ ईंधन पर लिटाया गया, फिर ईंधन को आग दिखाई गई और वह पूरी तरह से भड़क उठी। उस औरत की चीखें जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर बाद हवा में जले हुए मांस की गंध फैलकर दिमाग पर छाने लगी। हमारे कूच का समय था, इसीलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुका और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। उस दिन मैं मुर्दे और जिंदा के जलाने के इस काम से बहुत व्याकुल हुआ, और जब तक हिंदुस्तान में रहा फिर कभी मुर्दा और जिंदा जिस्मों को जलाने के स्थान पर ऐसा दृश्य देखने नहीं गया। यानी तैमूर, जिसे जिंदा जल्लाद कहा जाता था, वो भी औरतों को जिंदा जलाने की व्यथा देखकर करुणामय हो गया, व्याकुल हो गया और बोला कि मैं फिर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आप जरा सोचिए, तैमूर लंग को पूरी दुनिया जो है जिंदा जल्लाद कहती है, हैवान कहती थी, और ब्राह्मण सोचिए कितने ज्यादा हैवान थे कि ये औरतों को जिंदा ही जला देते थे अगर उसका पति मर जाए। इतनी बेहयाई, बेशर्मी, बेहूदगी आपने कहीं देखी होगी? ये इतने ज्यादा हैवान लोग थे। और आज उनकी संतानें इतनी बेशर्म होकर कहती हैं कि नहीं नहीं जी, ये तो मुगलों की देन है। अरे मुगलों की देन है तो तुम औरतों को जिंदा जला दोगे? जबकि ये मुगलों की भी देन नहीं है, मुगल तो बहुत बाद में आए थे। 1398 में तैमूर लंग भारत आया, मुगल बाबर जो है 1526 में आया था, यानी 128 साल बाद। अब इसके बाद जब ये दिल्ली जाता है और उसे जीत लेता है, इस दौरान उसकी भेंट ब्राह्मणों से होती है, और ब्राह्मण जो कि अग्नि पूजक होते थे उनके नाम भी ईरानी नाम के होते थे। जैसे एक ब्राह्मण से मिला जिसका नाम गानी होरता था। अब जरा सोचिए, आज का ब्राह्मण कोई गानी होरता नाम होता है? नहीं होता ना, ये ईरानी नाम है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तैमूर के शब्दों में, ताकि किसी को रत्ती मात्र भी संदेह न। कैसे वो ये भी साबित कर रहे थे कि वो भारत के नहीं बल्कि ईरानी हैं, और जस्ट तैमूर लंग से 200 साल पहले यानी खिलजियों के समय में वो यहाँ पे आके बसे थे। तैमूर लिखता है, दिल्ली के इस तरफ यजदा नाम का एक कस्बा था। यजदा जो शब्द है उसको अग्नि पूजक ईरानियों के लिए पवित्र शब्द माना गया है, जिसे अच्छाइयों का देवता माना गया है। तो जहाँ पे ये ब्राह्मण बसते थे उसका नाम ही यजदा कस्बा बना लिए थे, उस जगह का नाम भी यजदा था। दरअसल इन्होंने जो आजकल आप देख रहे हैं दुबे चौबे और इस तरह के जितने भी शब्दावली सरनेम इस तरह का आप देख रहे हैं, ये सब इन्होंने उसके बाद बनाया हुआ है। और भारत का जो बौद्ध मार्ग था, यहाँ के जो यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जो उपाधियां थी, ये सब इन लोगों ने बाद में ग्रहण कर लिया पूरी तरह से अपने को ब्राह्मणिकल सिस्टम ढालने के लिए और यहाँ पे बसने के लिए। अन्यथा जब ये आए थे मुगलों के समय में, लंग के समय में, इनके नाम भी ईरानियों टाइप के हुआ करते थे। अब ये बातचीत को जरा ध्यान से सुनिए। तो तैमूर लंग ने लिखा कि दिल्ली के एक तरफ यजदा नाम का एक कस्बा था, जिसके बारे में मेरा विचार है कि यह नाम दरअसल यजदान होगा, जो अलग उच्चारण के कारण यजदा बन गया। खैर, जब मैं यहाँ पहुंचा तो कुछ वृद्ध व्यक्ति मेरे स्वागत को, उन्होंने मुझे ईरान का बादशाह कहकर पुकारा। यह पूछने पर कि वे कौन हैं और यहाँ क्या काम करते हैं, उन्होंने बताया कि वे अग्नि पूजक हैं और उनके पूर्वजों का संबंध फारस, किरमान और यजद से था। वहाँ के बादशाह नहीं चाहते थे कि वे उन देशों में रहे, इसीलिए उनके पूर्वज वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। उन्होंने हिंदुस्तान की राह ली। लंबे समय तक वे बिना ठोर ठिकानों के भटकते रहे। फिर खिलजी वंश के एक बादशाह ने रहने के लिए उन्हें जमीन दी, जहाँ अब वे खेती बाड़ी करते हैं और उन घरों में रहते हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं। तो यहाँ से आप देख, पूरी तरह से खिलजी के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहा है और बता रहा है कि वो भी फारस से है, यजद से है, ईरान से है, और वहाँ से पलायन करके यहाँ पे आया है। खिलजियों ने इनको बसाया हुआ है और इनको खेती बाड़ी करने का जगह भी दिया है। यानी ये पूरी तरह से तैमूर लंग से अपनी बातचीत में इन्होंने अपने को विदेशी घोषित किया था और अपने को अग्नि पूजक भी बताया था। आज भी देखें, अग्नि पूजा कौन करता है? भारत का तो कल्चर नहीं है अग्नि पूजा। भारत में जो श्रमण परंपरा है, इसमें अग्नि पूजा तो नहीं होती है। अग्नि पूजक, हवन वगैरह ये सब कौन करता है? अब मूर्ति कब्जा करने के बाद से मूर्ति को भी आग दिखाते हैं, ये भर के, ये चारों तरफ घुमा घुमा के, और फिर पूजा पाठ करने के बाद से भी थाली में आग लगा देते हैं और लोग उससे आशीर्वाद ले रहे होते हैं आग पे हाथ लगा लगा के। ये सारे अग्नि पूजकों की देन है, भारत की ये परंपरा नहीं है दोस्तों। आगे तैमूर ने लिखा, ये बूढ़े लोग जो मेरी अगवानी के लिए आए थे फारसी में बातचीत कर रहे थे। उनकी फारसी का लहजा किरमान के निवासियों के फारसी से मिलता जुलता था। लगता था 200 साल बीतने पर भी जब उनके परखे फारस, यजद और किरमान से निकल गए थे, वे फारसी भाषा को भूले नहीं थे।
आपने देखा होगा कि जो लोग भी जो वैदिक संस्कृत की बात करते हैं वो ये बात जरूर कहते हैं कि वैदिक संस्कृत भारत की पाली पाकित है उससे, और जो फारसी यहाँ पे आए थे उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर वैदिक संस्कृत बना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि भारत में भी वेद इन लोगों ने 14वीं-15वीं सदी में लिखा, क्योंकि उससे पहले वो क्या गप उड़ते थे इसका कोई सबूत नहीं है। पहली बार जब इन्होंने लिखा, जिस भाषा में लिखा वो भाषा फारसी और यहाँ की पाली प्राकृत का मिश्रित रूप होती है। इसके बाद से तैमूर लग उन बूढ़ों से थोड़ी बातचीत करता है, उसको बताते हैं कि देखो हम भी आप ही की तरह ऊंचे कास्ट के हैं। तैमूर लिखता है, मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया कि उन्होंने हमारा कुरान मजीद भी पढ़ा हुआ है और उसकी आयतों से वे परिचित हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरे मुकाबले में नीच नहीं है क्योंकि वे विद्वान हैं और कुरान में लिखा है कि हर विद्वान व्यक्ति पवित्र है। उन्होंने कहा कि उनकी किताब सबसे प्राचीन किताब है जिसका नाम जंद है, जिंद। मैंने उनसे कहा, खुदा ने कुरान मजीद में धर्मभ्रष्ट लोगों को नीच कहा है और तुम धर्मभ्रष्ट हो, इसीलिए हम मुसलमानों की नजरों में नीच हो। बूढ़े अग्नि पूजक बोले, हम धर्मभ्रष्ट नहीं हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। देखें, ये लोग भी बताते हैं कि इनके वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, और यहाँ पे ये लंग से भी बोल रहे हैं कि ये नीच नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते, हमारे मंदिर नहीं है। और देखें, जब इनसे पूछा जाता है कि भैया तुम अपना सबूत दो, तो ये क्या कहते हैं कि भैया हमने तो मंदिर बनवाते नहीं थे, हम लोग तो अग्नि पूजक थे तो हमारा सबूत नहीं मिलता है। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन गलत बताते हैं कि ये 3500 साल पहले आए। सच्चाई है दोस्तों कि ये खिलजियों के समय में भी भारत में आए हैं। आगे इसमें लिखा है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हमारे मंदिर नहीं है और हम केवल एक ईश्वर की पूजा करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने कहा तुम अग्नि पूजक हो और तुम्हारी मूर्ति आग है। उन्होंने कहा, हम आग की पूजा नहीं करते, हम आग का इस रूप में आदर करते हैं, वह चार तत्वों में से एक तत्व है। तो इसके बाद से उसकी और भी बातचीत हुई और तैमूर लंग ने इतनी सारी चीजें पूछने के बाद से ये कहा कि ये बताओ, तुम लोग अग्नि पूजक हो तो अपना मुर्दा क्यों नहीं जलाते हो जैसे भारतीय लोग जलाते हैं, या फिर तुम लोग दफनाते क्यों नहीं हो। अच्छा, भारत में बहुत लोगों को यह गलतफहमी है कि मुर्दा जलाने की प्रथा जो है ये विदेशी है। नहीं दोस्तों, बौद्धों की परंपरा है लाश जलाने की, क्योंकि वो आत्मा नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि शरीर खत्म हो जाने के बाद से आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। और ये जो ईरानी ब्राह्मण लोग थे ये लाश को जलाते नहीं थे दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये लोग अपनी लाश को ऊपर फेंक जाते थे और ये लोग दफनाते भी नहीं थे। यहाँ पे देखें, ये लिखता है, सफेद लंबी दाढ़ी वाले अग्नि पूजक ने बताया कि दक्षिण के एक छोटे से पहाड़ की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, जब हम में से कोई इस दुनिया में विदा हो जाता है तो हम उसकी लाश उस पहाड़ पर ले जाते हैं और वहीं छोड़ आते हैं। वहां धूप हवा और बारिश से उसकी लाश सड़ गल जाती है, उसका मांस खून पुट्ठे सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और तब सूखी हड्डियों के ढांचे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता, तो हम उस ढांचे को उसी पहाड़ के कुएं में डाल देते हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम अपने मुर्दों को दफन क्यों नहीं करते। उनका जवाब था, अगर हम अपने मुर्दों को दफन करें तो जमीन अपवित्र हो जाएगी और हम यह पसंद नहीं करते कि जमीन के जो चार तत्व हैं उनमें से एक मुर्दे दफन करके हम उसे अपवित्र कर दें। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बाद में खुद को भारतीयता में ढालने के लिए जो बौद्धों के विश्वविद्यालय में उपाधियां होती थी, उपाध्याय, दुबे, इस तरह के चीजों को अपना लिया और फिर इन्होंने लाशों को जलाना भी शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि ये लोग भारत के हैं। तो तैमूर लंग जो है इनको ऑफर देता है, ये लिखता है कि मैंने उनसे पूछा, क्या अपने असली देश फारस, यजद और किरमान लौटकर जीवन बिताना चाहोगे। अग्नि पूजकों ने कहा, अगर आज हम अपने असली देश को लौट जाएं तो वहां हमारे लिए रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है और हम भिखमंगे नहीं हैं। हम में से किसी ने भी कभी भीख नहीं मांगी, इसीलिए हम वहां भूखों मर जाएंगे। इससे हटकर यह कि आज तू ईरान का बादशाह है और हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन तेरे बाद खुदा तुझे लंबी उम्र दे। जो बादशाह ईरान के तख्त पर बैठेगा, खुदा जाने वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसीलिए अच्छा यही है कि हम यहीं रहें और इसी धरती पर जो अब हमारा देश है जीवन से विदा ले। तैमूर लंग ये भी कहता है कि मैं वसीयत बना दूंगा, मेरे बच्चे जो होंगे वो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जैसे कि दूसरे विद्वान लोग होते हैं उनकी तरह तुमको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अग्नि पूजक बोलता है, बुजुर्ग अमीर यानी महान सूरवीर, हमें अब हिंदुस्तान में जीवन बिताने की आदत हो गई है, अब हम यहां से नहीं जा सकते। तो यहां पे आपने देखा है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग जो हैं वो तैमूर लंग को साफ साफ बता रहे हैं कि वो विदेशी हैं। तैमूर लंग जब उन्हें कहता है कि चलो तुमको वापस हम तुम्हारे देश में ले चलते हैं, तो ये बोलते हैं कि नहीं, अब हम यहीं पे रहेंगे।
आपने पूरी तरह से देखा और ये जो किताब है पूरी तरह से ऑथेंटिक किताब है, तैमूर लंग की अपनी लिखी हुई किताब है, जो उसने अपने आंखों से देखा था वो उसने व्यक्त किया। दरअसल भले ही ये हत्यारा हो, इसने लाखों करोड़ों लोगों को मारा हो, हत्या की हो, लेकिन जो उसने किताब में दर्ज किया ये दोस्तों इतिहास है। आप सब देख सकते हैं कि ये ब्राह्मण औरतों को जिंदा जला देते थे पति के मरने के बाद से। इनके दिमाग में औरतों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। और आपने ये भी देखा कि ये खुद को विदेशी भी बताते थे और ये भी बताते थे कि ये अग्नि पूजक हैं और मूर्ति पूजक नहीं है। और आपने ये भी देखा कि रोजगार के लिए यहाँ पे ये आए थे, आज भी ये रोजगार ही कर रहे हैं। जो मंदिर में घुस के जो पुजारी बन गए हैं ये इनका रोजगार सिस्टम है दोस्तों। और इसमें जो है भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, जो SC ST OBC लोग हैं, जनरल लोग भी जो अपने को सवर्ण समझ बैठे हैं, ये सब लोग इनके जाल में फंस गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस सच्चाई को जो आपको कोई नहीं बताता ये सभी तक पहुंच सके और सभी लोग इस सच्चाई को जान सके। अगर आप इसको और भी डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप रेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, वहां पे इस टॉपिक पे लाइव स्ट्रीम की गई है जिसमें और भी डिटेल्स में जानकारी दी गई है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।